हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि बीटेक फर्स्ट ईयर वालों का सीट अलॉटमेंट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, जिनको सीट मिल चुका है उनको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप अपना एडमिशन्स वगैरह करवा लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वेरीफिकेशन करवा के अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो अपना कम्प्लीट करवा लीजिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का तो सीट अलॉटमेंट लिस्ट और लेटर तो जारी कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आया कि सर जिनको सीट मिला नहीं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो वो लोग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करें। ऐसे और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो कॉलेज तो मिला है या तो ब्रांच तो मिला है, बट उनको मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच मिला नहीं, तो वो लोग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाने के लिए वो लोग पूछ रहे कि सर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाने के लिए क्या मेरे को पार्शियल एडमिशन फ़ी जो कि 1000 रुपीज़ पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रखना होगा या नहीं। और अगर मुझे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना है तो मुझे क्या फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो मुझे सीट मिले उसमें एडमिशन लेना है या नहीं, ये सब चीज़ क्वेश्चंस वगैरह कर रहे स्टूडेंट्स लोग। तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन करें कि सर मुझे तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग मेरे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी सीट मिला नहीं है, तो मैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करूँ, क्या करूँ। तो देखिए, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग तभी होगा जब तक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का कोई भी एडमिशन प्रोसेस ख़त्म ना हो जाए। जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि 15 तारीख तक लास्ट डेट है ना फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, जब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए JCC द्वारा फिर से अपडेट जारी किया जाएगा, जिसमें से आपको बोला जाएगा कि आपको रजिस्टर करके आपको चॉइस फिलिंग के लिए पेमेंट्स वगैरह करना होगा। पेमेंट करके तभी जाके आप अपना चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो तभी जाके आप अपना सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको वेट करना है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का नोटिस जारी होने के लिए। जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जारी होगा तब जाके आप अपना चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको पेमेंट करना होगा। जितना बार आप जितना राउंड होगा आपका इस JCC बीटेक वालों के लिए, उतना बार आपको पेमेंट करना होगा चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। तो अगर आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको पेमेंट ज़रूर करना होगा, ठीक है। ये क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं जिनको कॉलेज मिल चुका या तो ब्रांच मिल चुका, बट उनको मनपसंद ब्रांच नहीं, मतलब उनको जो ब्रांच मिले उनको पसंद नहीं आया, अब वो अपग्रेड करना चाहते, दूसरा ब्रांच लेना चाहते हैं, तो दूसरा कॉलेज लेना चाहता है, तो वो लोग क्या करें। तो वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। आप लोग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर सकते हो, बट हाँ, जो कॉलेज और जो ब्रांच आपको मिला फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, उससे और बेटर चॉइसेस आपको करना होगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। अब ये नहीं कि जो मन चाहे आप उल्टा सीधा ब्रांच रख दिए हो, और अगर आपको कोई भी अगर ब्रांच अगर मिल जाता है जो आपको पसंद ही नहीं रहेगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वो उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉलेज या तो जो ब्रांच आपको मिला उससे और बेटर कॉलेजेस या तो ब्रांच चॉइस रखिएगा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ताकि आपको उसमें से कोई ना कोई एक कॉलेज आपको मिल जाए। अगर आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी अगर कॉलेज अगर मिल जाता है या तो कोई भी ब्रांच मिल जाता है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपको सीट मिला था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कॉलेज या तो कोई भी ब्रांच नहीं मिलता है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो सीट था वह आपका सेफ रहेगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे कि सर अगर मैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एडमिशन ले लूँ और सेकंड राउंड के लिए मैं जाऊँ तो ये ठीक रहेगा। तो जी हाँ, आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला है वो एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि वो एक तरह का एक सेफ रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, मुझे यूसेट मिला है मैकेनिकल में, बट मुझे BIT सिंदरी चाहिए, है ना, बट मुझे BIT सिंदरी चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं मुझे जो कॉलेज मिला यूसेट मिला वहाँ पे मैं अपना एडमिशन ले लूँ और सेकंड राउंड के लिए मैं अप्लाई करूँ। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे अगर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी अगर कॉलेज नहीं मिलता है, तो कम से कम मुझे जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला वो तो सेफ रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग को जो भी कॉलेज मिलता है वो आप एडमिशन ले लीजिए, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके एडमिशन ले लीजिए। भले अगर दूसरा राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको मनपसंद कॉलेज है तो मनपसंद ब्रांच अगर मिल जाता है, तो आपको जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला था, आपने जो एडमिशन करवाया था, वहाँ से आपका पैसा और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वापस हो जाएगा।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अगर मिलता है तो आपको एडमिशन ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर कुछ भी नहीं मिलता, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए फिर आप अप्लाई करोगे, फिर अगर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आपका एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो भी कॉलेज अगर मिलता है आप बेफिक्र होकर एडमिशन ले लीजिए और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाइए। क्या पता आपको मनपसंद कॉलेज या तो मनपसंद ब्रांच ना मिले, हो भी सकता है कि नहीं, आपको नहीं भी मिल सकता है। अगर आपको नहीं मिला तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, है ना, आप कहीं के नहीं रहोगे, आपको कोई भी सीट नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग को जो सीट मिलता है एडमिशन ले लीजिए और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कीजिए। सेकंड राउंड में भी नहीं मिलता तो आप फिर थर्ड राउंड के लिए आप अप्लाई कीजिए, अगर उसमें भी नहीं मिलता कम से कम एक सीट तो बचा रहेगा ना आपके पास, है कि नहीं, एक सीट तो बचा रहेगा। और अगर आपको वो भी आपको इसमें भी अगर एडमिशन नहीं लेना है तो फिर आप एक साल आप छोड़ सकते हो गैप लेकर, फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर आप जेईई मेंस देकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको अगर ये प्रोसेस अगर सही रहा तो आपके लिए तो आप ही को अच्छा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो ये प्रोसेस सही लगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी अगर सीट नहीं मिलता तो भाई मेरा तो एक साल पूरा बर्बाद हो जाए। फॉर एग्जांपल के तौर में आपको बता रहा हूँ, मेरा ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल के तौर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही चीज़ की, और अगर आपको लेना ही नहीं है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी अगर कॉलेज लेना ही नहीं है तो इट्स अप टू योर चॉइस। अगर आपको कोई भी अगर सीट नहीं मिला सेकंड या तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है आपको जो भी कॉलेज मिले आप लोग वहाँ पर एडमिशन ज़रूर ले लीजिए, ओके। सो वीडियो में यही पेंट करते हैं, आपको यही अपडेट मैं देने वाला था। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप वेट कीजिए, अगर कोई भी अपडेट आए तो मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, बस आपको मेरे चैनल के साथ अपडेटेड रहना होगा। और कुछ भी क्वेश्चन हो मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो में मैंने आपको जो बताया वो आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। अब मैंने सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया, बट फिर भी आप जो मैं डाउट क्लियर करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से आप वही क्वेश्चन फिर से आप करते हो। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार देख लीजिए, ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आपको जो भी क्वेश्चंस करना आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।